और अहमदनगर जिले के शिवगांव तालुका में पुलिस ने अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खरड गांव में नदी तल से रेत पंप कर रहे तस्करों पर छापा मारा है। मौके पर रेत तस्कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने बुलडोजर डंपर सहित अवैध रेत जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने दो बालू तस्करों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मैं विलास पुजारी, पुलिस निरीक्षक शेवगाव पुलिस स्टेशन, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र। शेवगाव पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी के चार घटनाएं हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश जारी की और दो आरोपी को अरेस्ट करके उनसे 20,55,000 का मुद्देमाल, चार ट्रैक्टर और ट्रॉली हस्तगत किया।